गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेपरेशंस एंड कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स को हम किस प्रकार से पृथक्करण करते हैं या पृथक करते हैं, तो लैंथेनाइड्स का पृथक्करण। लैंथेनाइड्स के आयनिक रेडियस सिमिलर होने के कारण इसको पृथक करना मुश्किल हो जाता है, और लैंथेनाइड्स को दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां हैं जिससे हम सेपरेट करते हैं। एक तो पुरानी विधि और दूसरा आधुनिक विधि। पुरानी विधि में प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा, प्रभाजी अवक्षेपण के द्वारा, प्रभाजी ऊष्मीय विघटन के द्वारा, संयोजकता परिवर्तन से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन में यदि कुछ लवणों की विलेयता में थोड़ा सा भी अंतर है तो उनके मिश्रण में से उनका क्रिस्टलन भिन्न भिन्न समय पर होगा, और इसके आधार पर हम इसको सेपरेट करते हैं। जिसकी विलेयता कम होती है वो लवण पहले क्रिस्टलित हो जाता है, और प्रभाजी अवक्षेपण में यदि हम लैंथेनाइड लवणों के विलयन में किसी अवक्षेपक की सीमित मात्रा डाले तो वही लैंथेनाइड अवक्षेपित होंगे जिनके विलेयता गुणनफल के मान न्यूनतम होंगे। प्रभाजी ऊष्मीय विघटन में लैंथेनाइडों के ऑक्सी लवण जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है, उनको गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड बना लेते हैं, और प्रत्येक लैंथेनाइड के लिए वह ताप भिन्न होता है जिस पर उसका ऑक्सी लवण विघटित हो रहा हो। यह ताप लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता जाता है, और इसके आधार में हम इसको सेपरेट करते हैं। वैलेंसी चार्ज या संयोजकता परिवर्तन, प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था तो सभी लैंथेनाइड को की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन कुछ लैंथेनाइडों के प्लस टू भी होता है, प्लस फोर भी होता है, और उसके आधार पर हम सेपरेट करते हैं। मॉडर्न विधि में आयन विनिमय विधि है, उसके बाद विलायक निष्कर्षण विधि है, पेपर क्रोमैटोग्राफी है, पेपर क्रोमैटोग्राफी में गैस क्रोमैटोग्राफी या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुलों को बनाकर हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं लैंथेनाइड्स को। लैंथेनाइड्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण हम सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट है, पर हम इस तरह से हम सेपरेट या इसको लैंथेनाइड्स को पृथक्करण। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस, हमने देखा था कि लैंथेनाइड्स जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है, और ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल है तो इसके कॉम्प्लेक्सेस तो ये बनाते हैं, प्लस प्लस फोर और प्लस टू के भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या संकुल बनते हैं, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होता है, और दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्बिटल ज्योमेट्रीज। कॉम्प्लेक्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और जो स्टेरिक फैक्टर है ये डोमिनेट करता है इसके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसमें ये डोमिनेट करता है। इसके जो इंटरलिगेंड रिपल्शन है और जो मेटल और इनके बीच में ये इसका बैलेंस करता है। एज देर इज़ नो एनर्जेटिक रीजन टू बी लॉक्ड इन टू अ सिंगल ज्योमेट्री, रैपिड इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर लिगेंड एक्सचेंज विल टेक प्लेस। दिस टिपिकली रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्सेस दैट रैपिडली फ्लक्चुएट बिटवीन ऑल पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन। इसके एक पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन नहीं होता है, ज्योमेट्री नहीं होती है, ये फ्लक्चुएट करते हैं डिफरेंट ज्योमेट्री या कॉन्फिग्रेशन में। कैटालिस्ट ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और ये कैटालिस्ट के रूप में भी ये कार्य करता है। जो लैंथेनाइड्स जो होते हैं ये हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है, और होमोजीनियस कैटालिस्ट भी लेबोरेटरी के अंदर इसका यूज़ होता है। कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स जो है ये
कंपाउंड्स बनाते हैं इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथेनाइड्स एंड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स जो है ये आयनिक सॉल्ट बनाते हैं। दे आर हार्ड एक्सेप्टर्स एंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद ऑक्सीजन डोनर लीगेंट्स देन विद नाइट्रोजन डोनर लीगेंट। ऑक्सीजन के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स थाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नाइट्रोजन के बजाय। द लार्जर आयंस आर 9 कोऑर्डिनेट इन एक्वस सॉल्यूशन बट द स्मॉलर आयंस आर 8 कोऑर्डिनेट। हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि लार्जर जो है वाटर के साथ ये 9 जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड्स इज जनरली वीक बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विद चीलेटिंग लीगेंड्स बिकॉज ऑफ द चीलेट इफेक्ट। लैंथेनाइड +2 और +4 स्टेट में भी ये कंपाउंड बनाते हैं, जैसे यूरोपियम +2 में है, ये इसके F7 कॉन्फिग्रेशन है। डाइवेलेंट हेलाइड डेरिवेटिव्स बनाते हैं ये, इटरबियम आयोडीन के साथ कंबाइन करके ये डाइवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। यूरोपियम समेरियम ये सारे जो है डाइवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं हेलोजेंस के साथ। समेरियम आयोडाइड इज अ यूजफुल रिड्यूसिंग। हम देखते हैं कि सीरियम जो है +4 ये एक्सेप्शन ओइंग टू द टेंडेंसी टू फॉर्म एन अनफिल्ड एफ सेल, अदरवाइज टेट्रावेलेंट लैंथेनाइड्स आर रेयर। टर्बियम और प्रेसियोडाइमियम के +4 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाइड्राइड्स लैंथेनाइड मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, डाइहाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजिनेशंस जो है ट्राईहाइड्राइड भी बनाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहाइड्राइड इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन 8-10% वॉल्यूम एंड दिस इज लिंक टू ग्रेटर लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम विच बिकम्स मोर एनायनिक हाइड्राइड एनायन इन कैरेक्टर। हेलाइड्स द ओनली टेट्राहेलाइड्स नोन आर टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ सीरियम। सीरियम के जो है टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। प्रेसियोडाइमियम टर्बियम नियोडाइमियम एंड डिस्प्रोसियम ऑल द लेंथेनाइड्स फॉर्म ट्राईहेलाइड्स विद फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडीन। दे आर ऑल हाई मेल्टिंग एंड प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर। ये आयनिक इन नेचर होता है और कुछ जो डाइहेलाइड्स होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, बाकी जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। डाइहेलाइड्स जो इंक्लूड जैसे यूरोपियम है, डिस्प्रोसियम है, थूलियम है, इटरबियम है। द फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेटिवली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर यूरोपियम एंड इटरबियम इज यूजुअली एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड F14। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हेलाइड्स जो बनाते हैं इनमें क्लस्टर कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, और ये क्लस्टर कंपाउंड्स जो है ये सेस्क्वी हेलाइड्स जैसे लैंथेनाइड्स जो है आयोडीन के साथ ये बनाते हैं। स्कैंडियम क्लोरीन के साथ ये क्लस्टर कंपाउंड बनाता है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोऑक्साइड्स ऑल द लैंथेनाइड्स फ्रॉम सेस्क्वी ऑक्साइड्स जैसे LN2O3 और जो भी सेस्क्वी ऑक्साइड्स है वो सारे बेसिक होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनेट्स। दे डिजॉल्व इन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। प्रेसियोडाइमियम एंड टर्बियम फॉर्म नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड कंटेनिंग लैंथेनम 4 और ये प्रेसियोडाइम ऑक्सीजन के साथ ये डाइऑक्साइड बनाते हैं, टर्बियम के साथ भी ये डाइऑक्साइड बनाते हैं। यूरोपियम एंड इटरबियम फॉर्म सॉल्ट लाइक मोनोऑक्साइड जैसे एक ही ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड्स बनाते हैं विच हैव अ रॉक
salt structure. Europium oxide is ferromagnetic at low temperature, but can be produced by reducing europium trioxide in a steam of a hydrogen. Neodymium and samarium also form monoxides. All the lanthanides forms hydroxides, with the exception of lutetium hydroxide, which has a cubic structure. They have a hexagonal structure. Fajan's rule indicates that the smaller lanthanide plus 3 ions will be more polarizing and their salts corresponding less ionic. The hydroxides of the heavier lanthanides become less basic. For example, ytterbium hydroxide, trihydroxide, lutetium trihydroxide are still basic hydroxide but will dissolve in hot concentrated sodium. Chalcogenides, lanthanides जो है ये सल्फर सेलेनियम और टेलीरियम के साथ ही चेल्कोजेनाइट्स बनाते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके अंदर पाया जाता है. ऑक्सीसल्फाइड्स आर ऑल्सो वेल नोन. कार्बाइड्स लेंथेनाइड्स कार्बन के साथ मिलके ये डाइकार्बाइड्स और ट्राइकार्बाइड्स बनाते हैं. और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है ये इट्स लॉन्गर देन दैट इन कैल्शियम कार्बाइड विच कंटेन्स कार्बाइड. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेंथेनाइड्स कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर वेल नोन. हाउएवर एज द 4F इलेक्ट्रॉन हैव अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एट द आउटर रीजन ऑफ द एटम, there is little effective orbital overlap resulting in bond with significant ionic character. As such, organolanthanide compounds exhibit carbanion-like behavior unlike the behavior in transition metal organic compounds. Nature mein jo lanthanide minerals hai, they contain all the member in the series. However, each mineral contains different concentration of the individual lanthanide. मोनेजाइट जो है ये मोस्टली लाइट पाए जाते हैं. मोनेजाइट में दे कंटेन्स मोस्टली द हेवियर लैंथेनाइट. यूक्सेनाइट कंटेन्स अ फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंथेनाइट. इन ऑल द ओर्स द एटम्स विद इवन एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट. दिस अलाउज फॉर मोर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एज एक्सप्लेन इन द ऑडो हार्किंस रूल. The Odo-Hargens rule simply states that the abundance of element with an even atomic number is greater than the abundance of element with an odd atomic number. तो ये Hargens rule ये बताता है कि जो इस element even atomic number है वो ज़्यादा पाए जाते हैं nature में, और जिनके odd atomic number है वो is greater वो कम पाए जाते हैं. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. थैंक यू.